कहते हैं कि मदद वही होती है जो सबसे पहले पहुंचे और उम्मीद वो होती है जो पूरी हो जाए। हम इस वक्त मौजूद हैं तिलहर विधानसभा के गांव जिक्रीपुर में। बात जिक्रीपुर की जाए, जिक्रीपुर पिछले चार दिनों से टापू बना हुआ है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जो लगातार यहाँ पे पानी है गर्रा नदी का, उसने इस गांव को जो है अपनी आगोश में ले लिया। आसपास गांव के अंदर पानी नहीं, हालांकि नहीं है, लेकिन गांव टापू बन चुका है, पूरा उसका लिंक खत्म हो चुका है, कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पर नाव से पहुँचा जाता है। बात करें जिक्रीपुर की, यहाँ पर लोगों की मदद के लिए विधायक रोशनलाल वर्मा यहाँ पर पहुँचे हैं, वो लोगों को राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं। विधायक जी से बात करेंगे। विधायक जी से आप बात करें। विधायक जी यहाँ पर अपने हाथों से लोगों को राहत सामग्री बांट रहे हैं। विधायक जी, प्रशासन यहाँ नहीं पहुँचा लेकिन आप पहुँचे हैं, बड़ी उम्मीद भी थी लोगों को, ऐसा हमने बात की जब लोगों से तो वो लोग बोले हमें उम्मीद थी कि विधायक जी आएंगे, आखिर आप ही में ये जज्बा कहाँ से आता? देखिए, ऐसा है, जज्बा हमारे अंदर इसलिए है कि जो आज इनके सामने परेशानी है, ये परेशानी मैंने स्वयं देखी है, स्वयं झेली है। परेशानी क्या होती है, हम अपनी जनता को, जितनी हमारी चलेगी हम अपनी जनता को परेशान कतई नहीं होने देंगे, अपनी निजी बे पर, अपनी निजी पैसे से जो इनको आवश्यकता होगी, खाद्य सामग्री से लेकर मेडिकल तक की हम व्यवस्था सारी कराएंगे। किस तरीके की दिक्कतें हैं यहाँ पे, आपने लोगों से बात की है, हम भी देख रहे हैं किस तरीके की दिक्कतें लोग बता रहे हैं जिनसे वो गुजर रहे हैं, और किस तरीके से आप उनकी मदद करेंगे? देखिए, चारों तरफ इस गाँव के पानी भरा है, हम लोग नाव से बैठकर आए हैं, इस गांव का पानी दूषित हो गया है, एक कच्चा पानी पिएंगे इनको हो सकता बीमारी हो जाए किसी तरीके की, तो मैं पानी की, मिलियन वाटर पानी की भी हमने व्यवस्था की है, और आज के बाद भी अगर ऐसी स्थिति बनी रहती है फिर दोबारा हम मदद करने आएंगे। लोगों स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर किस तरीके, क्या कोई टीमों में अगर यहाँ पर किसी को परेशानी होती है मेडिकल से संबंधी, तो मैं इसी गाँव में ही चाहे सरकारी डॉक्टर चाहे प्राइवेट डॉक्टर लाके हम मेडिकल कैंप लगवाएंगे यहाँ पर। विधायक का कहना है कि दावा है विधायक का कि यहाँ जो लोगों की जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाए, कोई भी उनकी समस्या हो। विधायक रोशनलाल वर्मा यहाँ पर लोगों को खाद्य सामग्री बांट रहे हैं, बच्चों को नमकीन कुरकुरे बिस्किट तमाम दिए हैं। बच्चों के चेहरे पर एक रौनक देखने को मिली जब उनको उनकी पसंदीदा नमकीन मिल गई, बच्चे बेहद खुश हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर बाढ़ के चलते भारी दिक्कतों से लोग गुजर रहे हैं। बात विधायक रोशनलाल वर्मा की जाए कि हमेशा से देखा जाता है तमाम जनप्रतिनिधि हैं जो वोट लेने के लिए तो सामने आते हैं, लेकिन जब लोगों को उनकी ज़रूरत होती है वो तब वो नहीं दिखते, लेकिन विधायक रोशनलाल वर्मा जो कोरोना काल में भी लोगों से कंधा मिलाकर खड़े रहे, चाहे वो मजदूर इस विधानसभा के रहे हों चाहे अन्य विधानसभा के रहे हों, बिहार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मजदूर भी जो यहाँ से नेशनल हाईवे से गुजर रहे थे अपने घरों को कोरोना काल में जब काम धंधा सब ठप हो गया था, उस वक्त भी विधायक रोशनलाल वर्मा ने लोगों को मदद पहुँचाई थी। आज भी वो जिक्रीपुर गाँव में यहाँ पर पहुँचे, आप नज़ारा देख सके, इस तरीके से लोग यहाँ पर विधायक के साथ हैं, और एक उनको जो निराशा थी उनके अंदर वो अब कहीं ना कहीं उत्सुकता में बदली और विधायक यहाँ पर पहुँचे। विधायक ने अपने हाथों से हर घर के प्रत्येक मेंबर को यहाँ पर बुलाकर अपने हाथों से राहत सामग्री दी, चाहे वो बात की जाए फलों की, केले का वितरण किया है, भोजन के पैकेट वितरित किए हैं, जलाने के लिए मोमबत्ती दिए हैं। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि शायद यहाँ पर विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई है, इसलिए यहाँ पर उनको मोमबत्ती दी जा रही है। विधायक का कहना है कि यहाँ पर अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात है तो वो भी यहाँ पर मेडिकल टीमों को भेजकर यहाँ पर स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएंगे ताकि लोग बीमार ना हों। सायहपुर से बलजीत सिंह के साथ सिमरनजीत सिंह।